हेलो एवरीवन आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी एक और टेस्टी सी रेसिपी हम्म रेसिपी बनाती रहो और फिलावा करके डाल दो सिंगवाना मम्मी पे छोड़ दो अरे मम्मी यार अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं सो गाय सॉरी 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 मम्मी से डांट पड़ रही थी तो सबसे पहले मैंने फोर ब्रेड स्लाइस लिए हैं उसके अंदर शेज़वान चटनी डाली है फिर इधर मैंने चॉप्ड अनियन कैप्सिकम के अंदर सॉस म्योनीस एंड तंदूरी म्योनीस डाल के अच्छे से मिक्स किया स्टफिंग बनाने के लिए और फिर जो ब्रेड के ऊपर शेजवान लगाई थी उसके ऊपर स्टफिंग लगा दो फिर उसके ऊपर चीज़ स्लाइस एंड चिली फ्लेक्स डाल के ऊपर से एक और ब्रेड की कवरिंग कर दो ठीक है फिर उसके बाद सॉस म्यूनीस एंड तंदूरी म्यूनिस को अच्छे से डालो और उसको अच्छे से लगा लो फिर उसके ऊपर मैंने अनियन एंड कैप्सिकम की टॉपिंग की थी आप मर्जी आप किसी भी की टॉपिंग कर सकते हैं उसके बाद चीज़ डाली बहुत सारी और चिली फ्लेक्स औरिगोन ने डाल के उसको बेक कर लिया एंड गाइस सच में ना मेरे को थोड़ा बेक करने का तरीका भी आता नहीं है बट कोई नहीं धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊँगी तो मेरे थोड़ा कम बेक हुआ था तो इत, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था एकदम टेस्टी वाला पिज्जा था जैसे बाहर का मैंने ना फार्म पिज़्जा होता है ना बिल्कुल सच्ची में वही वाला टेस्ट आता था आप इसको जरूर ट्राई करना और मेरे को कॉमेंट्स करना सब्सक्राइब मत करो लेकिन कॉमेंट्स मेरे को कि आपको कैसा लगा